हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडीज प्रोवाइडेड बाय शेषम स्कूल। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एंड टुडेज वीडियो इज फॉर क्लास फोर्थ चैप्टर 5 सब्ट्रैक्शन। तो आपने एडिशन लास्ट चैप्टर किया था, उसका मतलब था जोड़ना। अब सब्ट्रैक्शन इसका मतलब क्या होता है? घटाना या माइनस करना। तो इसमें हम क्या करने वाले, उसमें हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे, इसमें हम दो नंबर्स को एक दूसरे में से माइनस करेंगे, घटाएंगे, कम करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो दो नंबर्स होते हैं, देखिए ये वो नंबर होता है जिसमें से माइनस करना होता है दूसरा नंबर। ये कौन सा नंबर होता है? जिसमें से माइनस करना होता है, इसको बोलते हैं हम माइनूंड। जिसमें से माइनस करना होता है माइनूंड, और जिसको माइनस करना होता है सबट्रैक्ट। जिसको माइनस करना होता है वो सबट्रैक्ट, और जो इन दोनों का रिजल्ट निकल के आता है माइनस करके, वो होता है डिफरेंस। तो ये तीन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी। माइनून, जिसमें से माइनस करना है, सबट्रैक्ट, जिसको माइनस करना है, डिफरेंस, जो आंसर आया है दोनों को माइनस करके। तो अब ये बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको 5.1 एक्सरसाइज दिख रही है, यहाँ पे देखिए सिंपल माइनस करना है। जैसे 4 में से 3 गया 1, 6 में से अगेन 3 गया 3, एंड 9 में से 5 गया 4। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक में और फिर नोटबुक में कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी 5.2 एक्सरसाइज जो है, इसमें क्या करना है आपको, नोटबुक में करने हैं ये क्वेश्चंस, और ये भी नोटबुक में करने हैं। यहाँ पे देखिए आपको करना किस तरीके से, इसको आप इस तरीके से कॉलम्स में अरेंज करेंगे। जैसे ये कॉलम्स में जैसे अरेंज किया हुआ है, ऐसे ही इसको अरेंज करके देखेंगे। जैसे देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल डेमो दे देती हूँ। 5, 4, 6, 1 और ये 2, 3, 1, 1, तो 1, 1, 3 and 2। अब इसको आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो 1 में से 1 गया 0, 6 में से 1 गया 5, एंड 4 में से गया 1 और ये 3। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं, बहुत सिंपल है, हो जाएंगे। देखिए अब इसमें क्या करना है, राइट अ नंबर विच इज़ 400 लेस देन दिस। इस एक नंबर लिखना है आपको जो इससे 400 छोटा हो। इस नंबर से 400 छोटा, तो मतलब इसमें से 400 माइनस कर दीजिए और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। इसमें से जब आप 400 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6, 7 एंड 4 एंड 9। तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप नोटबुक में सॉल्व करके देख सकते हैं और फिर बुक में फिल कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ही ईजी है। 5.1 और 5.2, पहले आपको नोटबुक में बुक में फिल करनी है, देन उसके बाद नोटबुक में फिल करनी है। आइए आगे देखते हैं। देखिए जो 5.3 एक्सरसाइज है आपकी, नेक्स्ट जो है 5.3, ये क्या है, विदाउट बोरोइंग के। इसमें अभी तक कैरी वाले सम्स नहीं आए, सारे बिना कैरी के ही हैं। ये भी सिंपल आपको ऐसे ही माइनस करने हैं जैसे आप अभी तक कर, मतलब लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया, जैसे 3 में से 2 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 1, 8 में से 3 गया 5। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, पहले बुक में फिर नोटबुक में, और इसको जैसे मैंने 5.2 में अरेंज करके बताया था कॉलम्स में, इनको भी अरेंज करना है और फिर अपनी नोटबुक्स में कर लेना है। तो आपको ये तीनों एक्सरसाइज आज नहीं, 2 दिन का टाइम है आपके पास, 5.1, 5.2 बुक और नोटबुक में करना है, और फिर आप मुझे कल 2 o'clock से पहले मुझे ये होमवर्क सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू एंड बाय बाय।